नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बनने पर बहुत सुंदर लगता है। और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, चाहे लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, बनाने में आसान और बनने के बाद बहुत खूबसूरत। इसे बनाने के लिए 15 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। तो पहली लाइन में बॉर्डर बनाने के बाद हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे और हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे, दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड से 6 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक पहला स्लिप कर लिया, फिर 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और अब 8 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 7 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदा 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा। शुरुआत में हमने 6 फंदा उल्टा बुना और लास्ट में भी 6 फंदे ही उल्टे आएंगे। तो दोनों साइड में 6-6 फंदे उल्टे, बीच में दोनों साइड में 6-6 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 8 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा और लास्ट में 6 फंदे उल्टे। तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिज़ाइन का सेकंड रो है और सामने से ऐसे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 और लपेटे हुए फंदों में से 4 फंदा खोलेंगे। 1 2 3 और 4 और तीसरे चौथे फंदे को पहले दूसरे फंदे की तरफ कर देंगे और ये ऊपर से ऐसे जाएगा। अब इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट 4 लपेटे हुए फंदे खोलेंगे और पहले दूसरे फंदे को तीसरे चौथे फंदे की जगह पे करेंगे और तीसरे चौथे फंदे को पहले दूसरे फंदे की जगह पे। पहला दूसरा फंदा जो है वो ऊपर से जाएगा, यानी इसके हमें अपोजिट इसको करना है। फिर चारों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 फिर उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा। 1 2 और 3 फंदा उल्टा। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा। 1 2 फिर लपेटा हुआ फंदा 4 खोलेंगे।
पहले दूसरे फंदे को ऐसे पीछे से सिलाई लाएंगे और पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में कर लेंगे, गिरा देंगे। तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में लाएंगे और ये तीसरा चौथा फंदा ऐसे ऊपर से आएगा, इसको बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदा खोलेंगे। अब बाएं सिलाई को ऊपर से ऐसे लाएंगे, पहले दूसरे फंदे को इस पर चढ़ा लेंगे, दाहिना सिलाई खींच लेंगे। अब तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों को भी बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट चार फंदा खोलेंगे, एक दो तीन और चार। अब बाएं सिलाई को पीछे से लाएंगे और पहले दूसरे फंदे को इसमें चढ़ा लेंगे, ये सिलाई खींचा। अब सामने से तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब तीसरा चौथा फंदा ऊपर की ओर से जा रहा है, अब इन दोनों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे और बाएं सिलाई को अब ऊपर की तरफ से ऐसे लाएंगे और दाहिना सिलाई खींच लेंगे, तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए तीसरा चौथा फंदा जो है हमारा ऊपर से ऐसे जा रहा है, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब थर्ड रो और रॉन्ग साइड छह फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ये पहला फंदा स्लिप कर लिया और पांच फंदे उल्टे। अब आठ फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर आठ फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, फिर सात फंदा नॉर्मली उल्टा, दो तीन चार पाँच छ सात और उसके बाद आठ फंदे स्लाइड में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, चार पाँच छ सात और आठ और लास्ट में छः फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बना लेंगे। तो किनारे किनारे में छः छः फंदे हैं और बीच में सात फंदे हैं और आठ आठ फंदों को हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, दो फंदा सीधा, फिर चार फंदा खोलेंगे और ये देखिए
जो फंदा ऊपर था यानी पहले दूसरे फंदे को अब बाएं सिलाई में लेंगे सामने से और तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में। तीसरा चौथा फंदा ऐसे नीचे से जाएगा और पहला दूसरा फंदा ऊपर से जाएगा। अब चारों को सीधा बुनेंगे। जो फंदा ऊपर है वही फंदा हमेशा ऊपर जाएगा, चाहे आप इस साइड में आता हो राइट हैंड साइड की तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता हो। जो फंदा ऊपर है, यहाँ पे तीसरा चौथा फंदा ऊपर है, तो यही फंदा हमेशा ऐसे जाएगा, जिग जैग ऐसे बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट चार फंदा हम खोलेंगे। अब देखिए, क्योंकि तीसरा चौथा फंदा ऊपर है यानी यही फंदा हमेशा ऊपर रहेगा, तो पीछे से पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और सामने से तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे। चारों को बाएं सिलाई में कर लेंगे और सीधा बुन लेंगे। अब दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा। ये देखिए, सात फंदों में पीछे से जो हमने सात फंदे उल्टे बने थे, तो दो फंदा सामने से सीधा और बीच वाले तीन फंदे उल्टे। और आठ फंदों में से चार फंदा खोलेंगे और पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में करेंगे, ऐसे सामने से बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे चौथे फंदे को पीछे से दाहिनी सिलाई में और ऐसे क्रॉस कर लेंगे। फिर दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, चारों फंदों को उल्टा बुन सीधा बुन लेंगे, चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदा खोलेंगे। अब बाएं सिलाई में पीछे से पहले दूसरे फंदे को ले लेंगे और सामने से दाहिनी सिलाई में तीसरे चौथे फंदे। अब यही फंदा हमेशा ऊपर रह रहा है, तो यही फंदा हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे ये लेफ्ट हैंड साइड में जाए चाहे राइट हैंड साइड में जाए। जो फंदा ऊपर है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। फिर चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा और नेक्स्ट चार फंदा खोलेंगे। पहले दूसरे फंदे को सामने की तरफ से बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीसरे चौथे फंदे को बैक साइड से दाहिनी सिलाई में ऐसे क्रॉस करेंगे। चारों फंदों को बाएं सिलाई में कर लेंगे और फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे खोलेंगे। अब बाएं सिलाई को बैक साइड से पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में बैक साइड से ले लेंगे और तीसरे चौथे फंदे को दाहिनी सिलाई में राइट अपर साइड से और दोनों को ऐसे क्रॉस करेंगे, बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और चारों को सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं चारों फंदों को हमें इसी इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते रहना है और डिज़ाइन ये अपने आप बनता चला जाएगा। ये बीच में 12 फंदे हैं, दो दो फंदे सिंपली सीधा बुने गए हैं और 8 फंदे में ये डिज़ाइन बना है और बीच में दो डिज़ाइन के बीच में ये तीन उल्टे फंदे हैं, तो 15 के मल्टीपल में और 5 फंदा एक्स्ट्रा, तीन उल्टा एक इधर का एज स्टिच और एक इधर का एज स्टिच, इस तरह हमारा ये फंदा डिवाइड हुआ है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा, तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए
इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।